अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एग कैरेमल पुडिंग की रेसिपी। तो बिना किसी मोल्ड के बनाई है मैंने इसको, घर के जो बर्तन आते हैं नॉर्मली उसी से बनाई है। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है, दिखने में भी और खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी, यमी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शक्कर को पिघला लेंगे, यानी इसको कैरेमल बना लेंगे इसका। तो जितनी शक्कर लेनी है उतना ही पानी लेना है। मैंने 5 या 6 चम्मच शक्कर ली थी तो उतना ही पानी डाला है। और शक्कर को अच्छे से पका लेंगे, स्लो गैस पे पकाना है और चलाते रहना है। इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा तो यानी ये रेडी हो गई है। तो चलाते हुए पकाना है और एकदम डार्क कलर नहीं करना, यानी कि फास्ट गैस पे आप करोगे तो ये जल जाएगी शक्कर। तो स्लो गैस पे ही करना है और इसको चलाते रहना है। देखिए पहले ऐसा झाग जैसा हो जाएगा और कुछ ही देर में फिर ये बन जाएगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साइड में जो घंटी का बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसको बंद कर लूँगी गैस को। ये देखिए ऐसा बन जाएगा। तो इससे ज़्यादा मत पकाना नहीं तो ये कड़वी लगेगी, ये कुछ काम की नहीं रहेगी। इसका कलर ऐसा हल्का सा ब्राउन हो जाने के बाद ही इसको बंद कर देना है। और उसके बाद जिस बर्तन में हमको बेक करना है पुडिंग उसमें मैं डाल दूँगी। तो मैंने नॉर्मली जो कटोरी आती है बड़ी वाली, मीडियम साइज़ की कटोरी, वो ली है मैंने। ये देखिए इससे थोड़ा शेप भी अच्छा आ जाएगा। तो आपके पास भी, सभी के पास रहती है ऐसे ऐसे बर्तन, तो आप उसी में बना लेना। तो ये देखिए डाल दिया है मैंने और थोड़ा हल्का सा फैला लूँगी और इसको रख दूँगी साइड में ठंडा होने के लिए। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है इसको। और उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो मैंने 4 अंडे से बनाया था, तो पहले मैं अंडे डाल दूँगी और अंडे को अच्छे से फेंट लूँगी। आप ये मिक्सी में एक साथ सब डाल के भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको कुछ अलग तरीके से बताया है क्योंकि अंडे की स्मेल आती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो पहले मैं अंडे को फेंट लूँगी। मैंने ये अलग अलग किया है, अगर आपको एक साथ मिक्सी में डालना है तो मिक्सी में डाल के भी आप कर सकते हो। अंडा, दूध और शक्कर, मैंने मिल्क मेड का यूज़ किया है। अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो आप शक्कर डाल देना और वेनिला एसेंस डालना है इसमें, थोड़ा सा फ्लेवर आएगा वेनिला एसेंस का तो अच्छा लगता है ये रेसिपी में। तो देखिए मैंने इसको ऐसे ही फेंट लिया था, अच्छे से झाग आने तक इसको फेंटना है। उसके बाद वेनिला एसेंस के 4-5 ही ड्रॉप्स डाले थे, ज़्यादा नहीं डाले हैं, और मिल्क मेड डाला है। मिल्क मेड डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास ना हो तो आप शक्कर का भी यूज़ कर सकते हो, अपने मिठास के हिसाब से शक्कर डाल देना। आप जितने अंडे ले रहे हो, ये मैंने 4 अंडे का बनाया था, ये काफ़ी ज़्यादा बन गया था वैसे भी, या आपको उससे ज़्यादा बनाना है तो उस हिसाब से क्वांटिटी लेना। और 4 अंडे में मैंने 1.5 कप ही दूध डाला था। तो ये देखिए मिल्क मेड डाला है मैंने। मिल्क मेड की भी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चेक कर लेना घर में कैसे ईजीली मिल्क मेड बनाते हैं। तो मिल्क मेड डालने के बाद मैंने इसको फेंट लिया है। अभी जो बाकी का आगे का प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसे लगी रेसिपी आपको, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अंडे फेंट के हो गए, उसके बाद मैंने इसमें दूध डाला है। तो 1.5 कप दूध का ही यूज़ किया था 4 अंडे के लिए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और अच्छे से मिलाते रहना है। और आप इसको जितना फेटोगे ना उतना अच्छा बनेगा ये सॉफ्ट सा ये रेसिपी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैंने फेट लिया है। और उसके बाद क्या करना है, जो हमने कैरेमल रखा था नीचे डाल के कटोरे में, तो हल्के हाथ से ही डालना। ऊपर से अगर डालोगे तो नीचे से, नीचे वाला जो हमने डाले थे कैरेमल
वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए धीरे से हल्के से ही डालना है। और उसके बाद मैं इस पे फॉइल पेपर लगा के इसको बेक करने रख दूंगी, 40 से 45 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखना है। तो मैंने फॉइल पेपर लगाया, अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो आप इस पे ढक्कन ढक के भी रख सकते हो, अच्छे से ढक्कन ढक देना और रख देना। तो ये देखिए फॉइल पेपर से मैंने इसको अच्छे से रैप कर लिया है और मैं इसको अब बेक करने के लिए रखूँगी। थोड़ा सा हल्का सा चाकू से मैंने पर टच करके कट किया है ताकि स्टीम इसकी निकलती रहे। और एक बर्तन में मैंने नीचे पानी डाल दिया है और एक जाली रख ली है। उसके बाद ये रख लिया, अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर का यूज़ कर लेना, अगर किसी के पास ना हो इसीलिए मैंने ये तरीका बताया है। और ऊपर से ढक के रख लिया था फिर, तो मैं अब इसको चेक कर लेती हूँ ये हुआ या नहीं। तो 40 से 45 मिनट हो गए थे, चेक कर लेना है उसके बाद ही इसको डिश आउट करना। तो ये देखिए मैं चाकू से चेक कर लेती हूँ, चाकू एकदम साफ आना चाहिए यानी ये डिश रेडी है। अगर साफ नहीं निकल रहा है चाकू यानी ये हुआ नहीं है, तो थोड़ी देर आप और रख लेना। उसके बाद साइड से पहले निकाल लेना है हल्के हाथ से, देखिए जैसे मैं आपको बता रही वैसे कीजिएगा, तो आपकी भी रेसिपी ऐसे ही परफेक्टली बनेगी जैसे मेरी बनी है। और प्लेट रख के इसको टर्न कर लेना है, आराम से कीजिएगा ये प्रोसीजर। ये देखिए कितना परफेक्टली निकलेगा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए आपने। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये कटोरे के हिसाब से इसका डिज़ाइन भी लुक भी देखिए कितना अच्छा आया है। और ये साइड में जो कैरेमल लग रहा है वो तो वाह कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में भी उतना ही यम्मी था। तो आप शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा या तो मिल्क मेड भी डाल देना, दोनों में से ऑप्शन आपको दिया है मैंने, आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। और 4 अंडे के हिसाब से बनाया था तो ये इतना बन गया, अगर आपके आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा बना लेना। तो ये डिश रेडी है, मैंने डिश आउट कर लिया है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे लगी रेसिपी, मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।